तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बेसिस के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एसिड और बेस जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट केमिकल नेम्स फ्रॉम फॉलोइंग फॉर्मूले। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उसके आपको नेम्स लिखने हैं। तो ये नेम्स ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं लास्ट टू वीडियोज़ में, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखिए H2SO4। तो दोस्तों एसिड केस में हमने देखा था कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। फिर दोस्तों जिसके अंदर भी OH दिखेगा आपको उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये CA का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ही लाइम वाटर होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लाइम वाटर ऐसे लिखते हो तो ये भी करेक्ट है। फिर HCl क्या है दोस्तों, एसिड जो कंसेप्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि HCl जो है ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमें नाम पता है इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब NaOH, OH का मतलब जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो Na मतलब क्या, सोडियम। तो ये NaOH मतलब क्या होगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। फिर से OH है दोस्तों, देखिए OH हाइड्रोक्साइड, K मतलब होता है पोटेशियम, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार OH है तो हाइड्रोक्साइड होगा, इसका हाइड्रोक्साइड NH4, NH4 मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए NH4 मतलब होता है अमोनियम, अमोनियम, ठीक है। तो NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा दोस्तों, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी पहली बार सीखते वक्त दोस्तों थोड़ा सा ये टफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एसिड और बेस वाला कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।